ये कितने सारे हैं? हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे आलू जैसा दिखने वाला कांदी घोड़ा लेने के लिए आए हैं। तो ये देखिए, मम्मी तोड़ रही है। ये पूरा वेला कांदी घोड़ा का है। देखिए, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। और ये देखिए नीचे, तो ये देखिए इस तरह का होता है कांदी घोड़ा। ये देखिए, और ये देखिए कितने सारे हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं इस तरह। और ये छोटे वाले हैं ना, वो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और जो बड़ी साइज के हैं उसको ही काट लेते हैं। तो सबसे पहले पानी थोड़ा सा इसमें हम डाल लेते हैं। जंगली आलू को इसमें हम डाल लेते हैं। इसको हम कांदी गोला कैसे कहते हैं, तो देखिए, अब हम ऊपर से ढक देंगे। तो अब इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। तो इसको हम 7 से 8 मिनट तक इसको हम उबालेंगे। देखिए, टमाटर को भी हमने काट लिया है। अब ये 2 मिर्च को हम काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 मिर्च भी काट ली है, और 2 बड़ी साइज के टमाटर और 2 छोटी साइज के प्याज। अभी देखते हैं। और ये देखिए, इसमें से पानी भी जल गया है, थोड़ा थोड़ा ही रह गया है। देखिए, एक निकाल के आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए, बहुत ही गर्म है, बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जंगली आलू को इसमें हमने निकाल दिया है, ठंडे हो गए हैं। ये देखिए, तो अभी इसके छिलके हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से छिलके निकल रहे हैं। ये देखिए, छेद छेद।
देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे जंगली आलू के छिलके निकाल लिए हैं अच्छे से। और ये देखिए, और देखिए यहाँ पे इतने सारे छिलके निकले हैं। और ये देखिए कितने अच्छे साफ कर लिया है हमने। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुके है, अभी इसमें हम तेल को डाल देते हैं। तो देखिए हमने तेल को भी डाल दिया है, कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी हम प्याज को इसमें डाल देते हैं। अब हमने ये चटनी को पीस लिया था तो वो हम इसमें डाल देते हैं। अभी हमने दो टमाटर और दो हरी मिर्च को काट लिया था, वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम हमारी सब्जियां पक रही है, तब तक इसमें डालने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा तेल भी छुटा होने लगा है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है और थोड़ी सी हल्दी इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी, अभी ये मसाले इसमें हम डाल देते हैं। अब ये नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये जंगली आलू को अच्छे से पका लिया था वो इसमें डाल देते हैं। अब हम सारे मसाले में आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि सारे मसाले हमारे जंगली आलू में अच्छे से मिल जाए और सब्जी हमारी स्वादिष्ट बने। दो मिनट हो चुके हैं, तो देखिए हमारे आलू कैसे दिख रहे हैं। अभी हमने सारे मसाले को इकट्ठा करके इसका ढो बना लिया था, वही पानी इसमें हम डाल देते हैं। आपको जितना ग्रेवी पसंद है उतना आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो अभी इसको हम ढक देते हैं और इसको उबालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू की सब्जी कैसी दिख रही है, जंगली आलू की देखिए। तो अभी हम सब्जी को उतार लेते हैं। चावल के साथ खाने के लिए इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए कांदी गोली की सब्जी ये हमने बनाई है जंगली आलू की, तो वो हम चावल के साथ खा रहे हैं। सुपर, एकदम टेस्टी बनी है सब्जी हमारी।
मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके पास ये जंगली कंकोड़े है तो वो भी आप जरूर इस तरह से बनाकर खाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।